यहाँ आपको अहम खबर दें। हरिपुर से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल जमान एम के हॉस्टल से फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। रुकन सूबाई असेंबली फैसल जमान दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में कैद थे। फैसल जमान को एबटाबाद जेल से प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पेशावर लाया गया था। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत गुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हरिपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम पी ए फैसल जमान गाजी जिला हरिपुर जो कि कल रात को पेशावर एम पी ए हॉस्टल से फरार हुए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई गई जिसके मुताबिक वो काली रंग की वीगो में बैठकर फरार हो जाते हैं और सीढ़ियों से उतरकर मतलब कि वो खिड़की से सीढ़ी लगा के वहां से उतरकर गाड़ी तक आ जाते हैं और गाड़ी सीधा एम पी ए हॉस्टल से निकलकर किसी नामालूम मुकाम पर जाने के लिए वहां पर तैयार खड़ी हो जाती है। जैसे एम पी एस गाड़ी में बैठ जाता है तो एम पी एस से निकलकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो जाता है, जबकि ये कल रात एम पी एस से फरार हुआ था और ये दोहरे कतर केस में नामजद है जिन्हें इकबाद जेल से प्रोडक्शन के जरिए एम पी एस मुंतकिल कर दिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत गुल। हरिपुर से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल जमान एम के हॉस्टल से फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई है और रुकन सूबा असेंबली फैसल जमान दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में कैद थे। फैसल जमान को एबटाबाद जेल से प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पेशावर लाया गया था, जहाँ से वो फरार हो गए हैं। अजमत गुल, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अजमत गुल।